अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बेबीज़ के लिए, बेबीज़ की वाइटनिंग के लिए एक रेमेडी शेयर करूंगी, क्योंकि बच्चे हमारी लाइफ का अहम हिस्सा हैं। उनके लिए भी हम चाहते हैं कि हमें कोई बेहतरीन घरेलू सी टोटके मिल जाएं, टिप्स मिल जाएं जो उन्हें नुकसान भी ना दें और उनकी स्किन का कलर वाइट हो जाए और उन्हें अच्छा सा रिज़ल्ट मिले। तो जल्दी से चलते हैं और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली रेमेडीज़, डीआईवाईज़ और हैक्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए एक चम्मच एलोवेरा जेल और आप इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून अलमंड ऑयल। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आप अपने बच्चों को आसानी से ये चीज़ें यूज़ करवा सकते हैं। और इसमें हम हाफ टी स्पून ग्लिसरीन ऐड करेंगे। बस ये हमें सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी बेबीज़ के लिए बेहतरीन सी क्रीम तैयार हो चुकी है। ये जेल इतनी बेहतरीन है कि आप अपनी बेबीज़ पे यूज़ करेंगे तो उनका कलर बिल्कुल वाइट हो जाएगा। थोड़ी सी पहले उन्हें मसाज करें और उन्हें फिर लगा रहने दें। आजकल सीज़न है ऐसा कि बच्चों की खेलने में, नहाने में भी स्किन जो है ड्राई हो जाती है, तो हमें उनकी केयर करना चाहिए। और आजकल जो है बच्चों के स्कूल वगैरह भी खुल रहे हैं तो वो वहाँ पर भी जाएँगे, बाहर भी जाएँगे, तो जब हम उनकी केयर करना चाहते हैं इतने बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। और जो बिल्कुल छोटे से बेबीज़ हैं आपके, आप उनको भी वाइटनिंग के तौर पर ये लगा सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन बेबीज़ के लिए क्रीम है और तकरीबन हर एज के बच्चों पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और चंद ही दिनों में आपकी बेबीज़ की स्किन जो है बिल्कुल वाइट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप ये किसी कंटेनर में डाल के अच्छे तरीके से फ्रिज में रख के स्टोर भी कर सकते हैं, काफ़ी दिन तक अच्छे तरीके से चल जाएगी, ख़राब नहीं होगी। तो जिनकी बेबीज़ के लिए ये इशू है कि वो चाहती हैं कि हमें बेबीज़ के लिए भी कोई रेमेडी मिले, उनका कलर हम वाइट करें, तो ये आपके लिए बेहतरीन टिप है और आप ये अपने बच्चों पे यूज़ कर सकते हैं और बेबीज़ का कलर वाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। वीडियो लाइक कीजिएगा और अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करना है आपको, ताकि वो भी अपनी बेबीज़ का कलर वाइट कर सकें। तो फ्रेंड्स, दुआओं में रखिएगा याद और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।